आपके अपने गोरखपुरी रसोई चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ व्रत में खाया जाने वाला फ्रूट क्रीम। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इसके लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं। यहाँ पे मैंने लिया है अमूल का 2 छोटा पैकेट क्रीम का, और केसर मिला दूध, शुगर पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें हैं काजू, पिस्ता, बादाम और किशमिश। साथ ही लिया है मैंने कुछ फ्रूट्स जिसमें हैं केला, अनार और सेब। आप चाहें तो उस समय अगर ऑरेंज का सीज़न है तो आप ऑरेंज लीजिए, मैंगो लीजिए, स्ट्रॉबेरी लीजिए। जितना चीज़ें इसमें फ्रूट्स में पड़ेंगी उतना ही अच्छा ये फ्रूट क्रीम बनेगा। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिया है इसको मैं क्रीम में डालती जाऊँगी एक एक करके। मैंने काजू डाल दिया है, पिस्ता डाल रही हूँ, फिर मैं डालूँगी बादाम और किशमिश। अब मैं डालूंगी फ्रूट्स। केला मैंने डाल दिया और अनार और फिर सेब। इसके बहुत ही बारीक पीसेस करने हैं। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप क्रीम बनाएं तभी इन फलों को काटें, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अब केसर डाला है जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था ताकि इस केसर का कलर बहुत ही अच्छा आ जाए दूध में। फिर मैंने शुगर पाउडर डाला है 4 चम्मच, और शुगर पाउडर इसलिए यूज़ किया है यहाँ पर क्योंकि ये बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाता है। तो देखिए अब हम लोग इसे मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि केसर और फ्रूट्स और जो शुगर है वो सब आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर इसके बाद मैं आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखूंगी और फिर उसके बाद सर्व करूंगी। तो यहाँ पे मैंने अनार के दाने और पिस्ता बादाम से मैंने गार्निश कर दिया है और इस तरह से सर्व किया है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।